हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था कि डेंगू क्या है और डेंगू के लक्षण क्या हैं, तो मैंने डेंगू के बारे में सारी जानकारी दी थी आपको। तो आज के वीडियो में स्पेशली मैं ये बताऊँगी कि आपको जो प्लेटलेट्स बढ़ानी है तो वो किन किन घरेलू उपाय से आप लोग बढ़ा सकते हैं, तो उस बारे में आज मेरा वीडियो है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आजकल बीमारी जो फैली हुई है उसमें ये सब चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो और बताएंगे कि जो हम लोगों के ब्लड में प्लेटलेट्स होती है वो क्या होती है और घरेलू उपाय से वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक और जानिए कि कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग प्लेटलेट्स घर का ही सामान से यूज़ करके। और चलिए आगे देखते हैं वीडियो में तो पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड जान लेते हैं कि प्लेटलेट्स घरेलू उपाय से कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो प्लेटलेट्स नॉर्मल होना एक स्वस्थ शरीर की निशानी होती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो स्मॉल ब्लड सेल्स होते हैं जो खून के थक्के को बनाए रखने में मदद करते हैं और खून को बहने नहीं देते हैं। एक स्वस्थ शरीर में 1 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम होने पर उसे प्लेटलेट्स की कमी होना बोलते हैं। इसकी संख्या 50,000 से कम होने पर रोगी की जान को खतरा होता है और ऐसे रोगी को प्लेटलेट्स चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम वो घरेलू उपाय जानेंगे जिनको अपनाकर आप अपने प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला है पपीते की पत्ती और उसका फल। तो डेंगू बुखार में पपीते के साथ और ताज़ा रस लेने से, पपीते की पत्ती और ताज़ा रस लेने से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। पपीते की पत्ती का रस आप अपने कैपेसिटी के अनुसार दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर आपको पपीते की पत्ती का रस पीने से अगर आपको वॉमिटिंग फील होती है तो आपको इसका फल खाना चाहिए और फल भी पका हुआ होना चाहिए, वही फल आपको खाना है। और दोस्तों, दूसरा है चुकंदर। चुकंदर जो है इसे खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और प्लेटलेट्स बढ़ाने में सहायता मिलती है। और आप इसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, आप इसका रस पी सकते हैं और इसे सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए चुकंदर जो है वो बिल्कुल बेस्ट होता है। और जिसकी प्लेटलेट्स कम हो गई है तो वो इसका रेगुलर उपयोग करके अपनी प्लेटलेट्स को बड़ी आसानी से बढ़ा सकता है। आप इसका 10 मिलीलीटर ताज़ा जूस दिन में 3 बार पी सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों कद्दू। इसमें जो कद्दू होता है इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है और शरीर में ये विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ाता है और इससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायता मिलती है। ये 2 से 3 ग्लास कद्दू का रस आप पी सकते हैं और कद्दू का आप सूप भी पी सकते हैं। तो इससे आपके जो प्लेटलेट्स है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और चौथा है दोस्तों किशमिश। किशमिश मीठी होती है, अच्छी भी लगती है और आयरन से बिल्कुल भरपूर होती है। ये आपके शरीर में ब्लड प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ब्लड बढ़ाने में सहायता करती है आपकी। आप इसे कई तरीके से खा सकते हैं, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, इसका भी रस पी सकते हैं, जैसे आपको सूट करे आप इसे खा सकते हैं। ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होती है। और है गेहूं का पौधे का रस, जो गेहूं बीट रूट जिसे कहते हैं, गेहूं के पौधे का जो रस होता है वो भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत सहायता करता है क्योंकि इसमें हाई क्लोरोफिल क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसमें क्लोरोफिल की, तो ये आपके बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और है इसके अलावा है दोस्तों पानी। पानी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेंगू के पेशेंट में पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो आप रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ऐसे पेशेंट को पिलाइए बिल्कुल, और पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दें। और प्लेटलेट्स खून को बहने से रोकता है, इसलिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। हम लोग के शरीर में पानी की बिल्कुल भी कमी ना होने दें। इसके अलावा कीवी है। कीवी तो बेस्ट है बिल्कुल हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए।
अगर आप कीवी, ऐसे पेशेंट को अगर आप डेली कीवी खिला रहे हैं तो समझिए उसका हीमोग्लोबिन और जो प्लेटलेट्स है वो बिल्कुल कमी नहीं होगी, उसकी ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों आप अगर इन सब घरेलू उपाय का प्रयोग करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जितना हीमोग्लोबिन हमारे अंदर ज़्यादा होता है हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होता जाता है तो आपको अनचाही बीमारियां अपने आप पकड़ने लगती हैं। तो जैसा कि आजकल डेंगू का रोग फैला हुआ है सब जगह, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे इन नुस्खों को अपनाकर आप अपने पेशेंट के हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ा सकते हैं और जो उनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई है उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करिएगा, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैं ऐसे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।